हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और मैं हूं सदफ मंसूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमरीकी इमदाद के बगैर जिंदा रहना होगा। अमरीका से ताल्लुक में बिगाड़ नहीं बल्कि तवाजुन चाहते हैं। वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सैनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। पाक अमरीका ताल्लुकात में सर्द महरी का भी एतराज। अवाम शिकस्त खुर्दा और साजिशी अनासर को मुस्तरद कर चुके हैं। लाहौर में सियासी कजन्स का गठजोड़ मुल्की तरक्की के खिलाफ है। वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब की धरना सियासत करने वालों पर कड़ी तनकीद, कहती हैं कि अब मैच फिक्स नहीं चलेगा, अवाम जिसको वोट देंगे वही इख्तदार में आएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सानिहा कसूर पर अवाम के जज्बात भड़काने वालों को मुल्को कौम का दुश्मन करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिमों को पता लगाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं, ताहम कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। लाहौर में मुतहद अपोजिशन का पंजाब हुकूमत के खिलाफ जलसा। मुल्क को किसी और से नहीं हुक्मरानों से खतरा है, जब चाहें उन्हें निकाल दें देर नहीं लगेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का कहना है कि वो मुल्क के आईन का नहीं बल्कि नाइंसाफी का खात्मा चाहते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के इस्तीफे वाला आइडिया इमरान खान को भी पसंद आ गया। कहते हैं कि आइडिया तो अच्छा है, इस बारे में पार्टी से मुशावरत भी करूंगा और मुमकिन है जल्द शेख रशीद को ज्वाइन कर लूं। इस्तीफे मांगने वालों को इस्तीफे देने पड़ गए, अल्लाह की शान। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ इसहाक डार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सरकारी मुलाजमीन की कॉलोनियों में 3000 से जायद रिहायश गाँवों पर रिटायर्ड मुलाजमीन के कब्जे का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स ने तमाम कॉलोनियों में रिहायश पजीर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पेशावर में होने वाली छठी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप आर्मी की टीम ने जीत ली है। और अजमान में खेले जा रहे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। फाइनल में कौमी टीम। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ इसहाक डार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने इश्तिहारी करार देने के खिलाफ इसहाक डार की दरख्वास्त पर समाअत की। इसहाक डार के वकील ने नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने उनके मुवक्किल को 6 हफ्ते के लिए आराम का कहा है। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा कि आइनी तौर पर 30 रोज से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स एयर एम्बुलेंस के जरिए भी सफर न करने का कहते तो इसहाक डार को रिलीफ मिल जाता। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था कि इसहाक डार ट्रायल से भागना चाहते हैं तो जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि फॉरन ऑफिस से मेडिकल सर्टिफिकेट चेक कराने के बजाय बोर्ड बनाने की जरूरत थी, टीम को लंदन भेजना चाहिए था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को मावराए आइन रिलीफ नहीं मिल सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुल्क को किसी और से नहीं हुक्मरानों से खतरा है, जब चाहें उन्हें निकाल दें देर नहीं लगेगी। लाहौर के माल रोड पर मुतहदा अपोजिशन के एहतजाजी जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमने हमेशा कोशिश की कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन हुक्मरान खुद नहीं चाहते कि वो हुकूमत करें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आज भी आमिरों की निशानियों का मुकाबला कर रही है। आमरियत की बाकियात ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमारा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है।
उन्होंने कहा कि अगर उनकी आंखों से आंसू छलकते हैं तो वो पाकिस्तान की खातिर छलकते हैं और दिल भी सिर्फ अपनी धरती के लिए ही दुखता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो कौम को यकीन दिलाते हैं कि सानिहा मॉडल टाउन और जैनब के वर्सा को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। जलसे से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर तायरुल कादरी का कहना था कि वो मुल्क के आईन का नहीं बल्कि नाइंसाफी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के इकट्ठे होने में उनका नहीं सानिहा मॉडल टाउन के शहदा की कुर्बानियों का कमाल है। तायरुल कादरी ने कहा कि सियासी जमातें मजलूमों को इंसाफ दिलाने और मुल्क को दरिंदों से बचाने के लिए मुत्तहिद हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने साजिशी अनासर को 2018 के बाद भी सब्र करने की तलकीन कर दी। ट्विटर पर जारी पैगाम में लाहौर में मुत्तहिदा अपोजिशन के धरने पर रद्द अमल में मरियम नवाज का कहना था कि 4.5 साल से मुस्तरद शुदा कठपुतलियों के नाटक का यौम हिसाब करीब आन पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में ये आवाम के गजब का ईंधन बन जाएंगे। उनका कहना था कि अवाम आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर कामयाब बनाएंगे। और कराची के मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक मसला हल होता है तो दूसरा सर उठा लेता है। अस्पतालों में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें तल्फ करने के बजाय उन्हें गटरों में फेंका जा रहा है, जिसके बाद सीवरेज लाइनों में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स की जानें खतरे में पड़ गई हैं। शहर कायद के मसाइल का शुमार ही नहीं, बेहंगम ट्रैफिक, आलूदा पानी, टूटी हुई सीवरेज की लाइनें और तबाह हाल सड़कें किसी तबाह हाल शहर का नक्शा पेश करती हैं। अब एक नया मसला सर उठाकर सामने आ गया। अस्पतालों की इस्तेमाल शुदा सिरिंजों को तल्फ करने के बजाय उनका मस्कन बनी है कराची की सीवरेज लाइनें। इदारा फराहमी नकासी आपका सीवरेज लाइनें साफ करने वाला अमला कराची के अस्पताल के अतराफ की बंद सीवरेज लाइनें खोलने के लिए गटर में उतरा तो इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन की सिरिंजें इनके लिए बीमारियों का सबब बन गयी। पिछले साल एक बंदे को लगी है, उसकी डेथ भी हो चुकी है। और एक बंदे को पहले लगी है, 2-2.5 साल पहले उसकी टांग कटी हुई बेचारे के भी, वो अल्दो अपाहिज होकर बैठ गया। इदारा फराहमी नकासी आपकी सीवरेज लाइनें खोलने के लिए जदीद मशीनरी की अदम दस्तियाबी और इदारों की नाहली पर भी इदारा फराहमी नकासी आपका अमला अपने फराइज की अंजामदही में अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए तो महकमे की जानिब से किसी भी किस्म की मराद का हकदार भी नहीं है। ए न्यूज से अब तक इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ए न्यूज। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ इसहाक डार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने इश्तिहारी करार देने के खिलाफ इसहाक डार की दरख्वास्त पर समाअत की। इसहाक डार के वकील ने नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने उनके मुवक्किल को 6 हफ्ते के लिए आराम का कहा है। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा कि आइनी तौर पर 30 रोज से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स एयर एम्बुलेंस के जरिए भी सफर न करने का कहते तो इसहाक डार को रिलीफ मिल जाता। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था कि इसहाक डार ट्रायल से भागना चाहते हैं तो जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि फॉरन ऑफिस से मेडिकल सर्टिफिकेट चेक कराने के बजाय बोर्ड बनाने की जरूरत थी, टीम को लंदन भेजना चाहिए था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को मावराए आइन रिलीफ नहीं मिल सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुल्क को किसी और से नहीं हुक्मरानों से खतरा है, जब चाहें उन्हें निकाल दें, देर नहीं लगेगी। लाहौर के माल रोड पर मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाजी जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमने हमेशा कोशिश की कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन हुक्मरान खुद नहीं चाहते कि वो हुकूमत करें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आज भी आमरों की निशानियों का मुकाबला कर रही है। आमरियत की बाकियात ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमारा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी आंखों से आंसू छलकते हैं तो वो पाकिस्तान की खातिर छलकते हैं और दिल भी सिर्फ अपनी धरती के लिए ही दुखता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो कौम को यकीन दिलाते हैं कि सानिहा मॉडल टाउन और जैनब के वर्सा को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे।
جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے آئین کا نہیں بلکہ ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج مختلف سیاسی جماعتوں کے اکٹھے ہونے میں ان کا نہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہدا کی قربانیوں کا کمال ہے۔ طاہر القادری نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مظلوموں کو انصاف دلانے اور ملک کو درندوں سے بچانے کے لیے متحد ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے سازشی عناصر کو 2018 کے بعد بھی صبر کرنے کی تلقین کر دی۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں لاہور میں متحدہ اپوزیشن کے دھرنے پر رد عمل میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ 4.5 سال سے مسترد شدہ کٹ پتلیوں کے ناٹک کا یوم حساب قریب آن پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں یہ عوام کے غضب کا ایندھن بن جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر کامیاب بنائیں گے۔ اور کراچی کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ ہسپتالوں میں استعمال شدہ سرنجیں تلف کرنے کے بجائے انہیں گٹروں میں پھینکا جا رہا ہے، جس کے باعث سیوریج لائنوں میں کام کرنے والے سینیٹری ورکرز کی جانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ شہر قائد کے مسائل کا شمار ہی نہیں، بے ہنگم ٹریفک، آلودہ پانی، ٹوٹی ہوئی سیوریج کی لائنیں اور تباہ حال سڑکیں کسی تباہ حال شہر کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ اب ایک نیا مسئلہ سر اٹھا کر سامنے آ گیا۔ ہسپتالوں کی استعمال شدہ سرنجوں کو تلف کرنے کے بجائے ان کا مسکن بنی ہے کراچی کی سیوریج لائنیں۔ ادارہ فراہمی نکاسی آب کا سیوریج لائنیں صاف کرنے والا عملہ کراچی کے ہسپتال کے اطراف کی بند سیوریج لائنیں کھولنے کے لیے گٹر میں اترا تو استعمال شدہ انجیکشن کی سرنجیں ان کے لیے بیماریوں کا سبب بن گئیں۔ جو پچھلے سال ایک بندے کو لگی ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، اور ایک بندے کو پہلے لگی ہے 2.5 سال پہلے، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی بیچارے کے بھی، وہ آلزو اپاہج ہو کے بیٹھ گیا۔ ادارہ فراہمی نکاسی آپ کی سیوریج لائنیں کھولنے کے لیے جدید مشینری کی عدم دستیابی اور اداروں کی نااہلی پر بھی ادارہ فراہمی نکاسی آپ کا عملہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو محکمے کی جانب سے کسی بھی قسم کی مراد کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اے نیوز سے اب تک اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے نیوز۔